अपने फेस के साथ साथ अपने पाँव का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, जिनको हम में से बहुत से ज़्यादा लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेयर एनर्जी बाय आयशा सुहेब का ये प्रोडक्ट है जिसका नाम है फुट कैंडी, जो कि स्पेशली पाँव के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इसके आप लोग इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स इन्होंने इसमें बताए हैं वो है शिया बटर, बीज वैक्स, कोकोनट सनफ्लावर एक्सट्रैक्ट एंड इसेंशियल ऑयल्स प्लस वाइटामिन ई। बेसिकली इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे ये बटर, ऑयल्स एंड यही सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं ताकि ये आपके पाँव को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना, नरम मुलायम और चमकदार बना सके। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके इंग्रेडिएंट्स की। इसके साथ ही साथ ये लोग इसमें कह रहे हैं कि ये एडवांस रिपेयर फुट क्रीम है जो कि डीपली मॉइस्चराइज करती है रफ़ एंड ड्राई फीट को। तो पैकेजिंग आप लोग इसकी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है जो कि 150 ग्राम है। ठीक है, प्राइस की मैं इसकी बात करती चलूँ तो इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी हाई है, लेकिन इसकी क्वांटिटी के हिसाब से आई थिंक इसकी प्राइस ठीक जो कि है 1850। ठीक है, तो जी इसमें ये लोग बता रहे हैं कि ये क्रीम करती क्या है। बेसिक जो आपके पाँव के डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको एक्सफोलिएट करती है। ठीक है, उनको उतार देती है और उनकी जो अंदर से जो बेबी स्किन होती है उसको बाहर लेकर आती है। ठीक है, जिससे आपके पाँव में ग्लो पैदा होता है और आपके पाँव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पैकेजिंग, अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। इस तरह के जार में ये हमारे पास आती है। ठीक है, मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं इसे यूज़ करते हुए। ठीक है, और इसकी ये क्वांटिटी इवन मैं आप लोगों को बताऊं, ये एक जो जार है इसका आपका 7 to 8 मंथ्स चल जाता है। ठीक है, क्वांटिटी इसकी इतनी अच्छी है, तो इसकी क्वांटिटी के हिसाब से इसकी प्राइस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इस ब्रांड की जो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी हैं उनका रिव्यू भी आप लोग बोलेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ठीक है, अंदर इन्होंने इसको कवर करने के लिए इस तरह की लिड लगाई हुई है जिसको आप लोग रिमूव कर सकते हैं ताकि जो क्रीम है वो ऊपर इसकी कैप में ना लगे। अंदर से आप लोग देख सकते हैं इस तरह की वाइट कलर की क्रीम हमारे पास आती है। ठीक है, इस क्रीम का टेक्सचर काफ़ी थिक सा और थोड़ा ग्रीसी टाइप है, लेकिन जैसे कि आप लोगों को मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी बताए हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल्स मौजूद हैं, तो फिर इसका इसका जो टेक्सचर है वो इसी तरह का होगा। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है कि डेली रात को सोने से पहले आप लोगों ने इस क्रीम को लेना है और अपने पाँव की जो हील्स हैं उनके ऊपर, पाँव के ऊपर नीचे हर जगह पर अच्छे तरीके से आपने इस क्रीम की मसाज करनी है। एंड मेक श्योर कि क्रीम लगाने से पहले आप लोगों ने अपने पाँव को अच्छे तरीके से क्लेंस किया हो। ठीक है, गंदे पाँव पे आप लोगों ने इस क्रीम की कभी भी मसाज नहीं करनी, हमेशा आप लोगों ने पहले पाँव को क्लेंस करना है, अच्छे तरीके से साफ़ करना है, देन आपने इस क्रीम की अच्छे तरीके से मसाज करनी है। ठीक है, और मसाज करने के बाद आप लोगों ने उसको छोड़ देना है। और अगर आप लोग इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि मसाज करने के बाद आप लोग अपने पाँव पे सॉक्स पहन लें और सॉक्स पहन के देन आप लोगों ने सो जाना। ठीक है, इसी तरह तकरीबन आप लोग 1 मंथ करते रहेंगे, डेली आप लोगों ने रात को इस क्रीम की मसाज करनी है, देन आप लोगों को जो है अपने पाँव में वाज़ेह फ़र्क फील होगा कि पहले से आपके पाँव अब कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। इवन रिजल्ट्स तो आप लोगों को एक हफ़्ते बाद ही नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस क्रीम के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। इसे मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी अर्सा यूज़ किया है और इसको यूज़ करने के बाद मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा ग्लो पैदा हो गई है। इवन जो हील्स हैं पाँव की वो तो काफ़ी ज़्यादा शाइन करने लग गई हैं। ठीक है, पाँव काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। लेकिन एक जो मैं इस क्रीम की बात करती चलूँ वो ये कि हेयर एनर्जी क्लेम करता है कि ये क्रीम आपके पाँव को
वाइट करती है, लाइक ये वाइटनिंग क्रीम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये क्रीम आपके पाँव का जो कलर है वो कभी भी वाइट नहीं करती, ठीक है। जस्ट आपके पाँव को सॉफ्ट करती है, स्मूथ करती है और उसमें ग्लो पैदा करती है। आपके पाँव की जो शाइन है वो वापस लेकर आती है डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके, ठीक है। तो आपके पाँव को, आपके पाँव की सॉफ्टनेस एंड स्मूथनेस के लिए ये क्रीम बहुत अच्छी है। तो आप लोग इसको लाजमी यूज़ करें अगर आप लोग अपने पाँव को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाना चाहते हैं। तो मेरी तरफ से ये क्रीम हाईली रिकमेंडेड है पाँव को सॉफ्ट रखने के लिए। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग किस प्रोडक्ट का रिव्यू देखना पसंद करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।